हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर जिसका नाम है ए टू जेड कैड एंड कंस्ट्रक्शन। आज की इस वीडियो में आपको एक रिसेंटली मैंने एक प्लान अपलोड किया था 16x74 फीट का, तो आज उस प्लान का मैं कॉलम लोकेशन है के बारे में बताना चाहूँगा। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे मैं कहाँ पर कॉलम आना चाहिए वहाँ पर मैंने पेन से मार्क किया है और आपको एक रफली आइडिया देने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि ताकि आपको इस प्लान के हिसाब से अगर आप ऑन साइट पर कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो कॉलम कहाँ पर होने चाहिए। अगर एज्यूम की बात करेंगे तो मैं एक कॉलम मैंने 9x15 इंच के कॉलम लिए हैं और इस प्लान में मैंने 17 कॉलम सेट किए हैं। ये जो प्लान मैंने प्रीवियस अपलोड किया है इसके सारे डिटेल मैंने उसमें बताए हैं, अगर आपने वो नहीं देखा तो प्लीज़ वहाँ जाके आप इस वीडियो को देख सकते हो। इस वीडियो में आपको बस कॉलम लोकेशन के बारे में बताना चाहता हूँ। तो ये जो प्लान है ये 1 BHK प्लस 2 BHK दो पोर्शन मैंने इस प्लान में सेट किए हैं। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा इसका डिटेल बताता हूँ। तो यहाँ पे मैंने बेडरूम के इस कॉर्नर पे कॉलम लिए हैं और इस कॉर्नर पे किचन के इस कॉर्नर पे और इस बाथरूम के कॉर्नर पे हॉल के इस कॉर्नर पे। तो टोटली मैंने ये जो 1 BHK पोर्शन है ये मैंने 8 कॉलम में सेट किया है जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे। तो ये वाला स्पैन इनर टू इनर 14 फीट 6 इंचेस है, तो मैंने इस कॉलम का ओरिएंटेशन इस फेस पे किया है ताकि ये लॉन्ग जो स्पैन है इसका वो आपको इजीली कवर हो। ये जो कॉलम मैंने आपको शो कर रहा हूँ आप एक बार स्ट्रक्चरल से कांटेक्ट करके इसका एक बार क्रॉस वेरिफिकेशन चेक करें और इसके स्टील की जो भी डिटेल है आप वहाँ से ले सकते हो। मैं आपको एक बस एक रफली आइडिया दे रहा हूँ कि कॉलम कहाँ पे होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 BHK में मैंने यहाँ पे कॉलम लिया है। ये जो हॉल है इसका जो स्पैन है 16 फीट 3 इंच, तो इस वजह से मैंने इसका कॉलम के ओरिएंटेशन भी इस तरफ किए हैं और ये भी कॉलम मैंने अज्यूम किया है इस प्लान के हिसाब से। तो यहाँ पे मैंने 9 कॉलम में ये 2 BHK सेट किया है, यहाँ पे इस कॉर्नर पे और यहाँ पे इस कॉर्नर पे कंटिन्यू ये एक लाइन में और एक ग्रिड में है। ये 1 BHK वाला प्लान भी एक लाइन और एक ग्रिड में है। बस ये जो पोर्शन है इसमें मैंने 3 कॉलम लिए हैं और इसमें है ना सिर्फ 2 कॉलम लिए हैं। तो ये 8 कॉलम है ये 2 कॉलम के लाइन में है और ये जो 9 कॉलम है ये आपको 3 कॉलम के लाइन में, मतलब एक ही लाइन और एक ही ग्रिड में है। तो बस यही बताना था आपको इस वीडियो में। तो अगर ये प्लान आपको पसंद आए और ये कॉलम लोकेशन के जो मैंने आपको शो किया है वो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए कि ये प्लान आपको कैसा लगा और ये कॉलम लोकेशन जो मैंने बताए हैं वो आपको कैसे लगे हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, मैं आपको आपके स्क्रीन पर ये रख देता हूँ। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए डिटेल के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।